अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन फ्रीद ब्लॉग्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे पार्क सुजुकी के बारे में। पार्क सुजुकी ने जो अपना डिलीवरी टाइम एक एक्सटेंड कर दिया है बुकिंग के बाद, जो पहले डिलीवरी टाइम 2 महीने था वो उन्होंने दोबारा उसको 4 महीने कर दिया है कुछ गाड़ियों के लिए। ऑलमोस्ट उनकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर वो कह रहे हैं जी 3 से 4 महीने बाद गाड़ी मिलेगी। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे और जो उनके बुकिंग इशू सारे आ रहे हैं इस वक्त, आम बंदा जो बुकिंग इशूज़ फेस कर रहा है हम उसके ऊपर बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब न्यू ऑटो पॉलिसी 2021 आई तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि जी सबसे पहले तो गाड़ियों की जो बुकिंग है उसके बाद डिलीवरी 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी करने के पाबंद है। अगर वो नहीं करेगी 2 महीने के अंदर डिलीवरी गाड़ी की तो उनको जो है वो फाइन होगा। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि आप 20% में बुकिंग कराएंगे और 20% से ज़्यादा बुकिंग अमाउंट कोई कंपनी नहीं ले सकती। 100% कोई भी नहीं ले सकती। आप 20% में बुकिंग कराएंगे और जब गाड़ी डिलीवर होनी होगी उससे 20-30 दिन पहले आप बाकी पेमेंट देंगे और उसके बाद वो गाड़ी मिल जाएगी। अब जब ये ऑटो पॉलिसी आई तो सबसे पहले तो कंपनीज ने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानने से इनकार कर दिया, ना गवर्नमेंट ने कोई उसके ऊपर फॉलोअप दिया। गवर्नमेंट भी क्या करती है, ऑटो पॉलिसी ले आती है उसके बाद वो उसको उसी तरह छोड़ देती है, ना उसके ऊपर वो फॉलोअप प्लान कोई लेके आते हैं ना उसको कुछ देखते हैं। और लोगों ने उसी तरह गाड़ियाँ बुक कराई और उनको कहा गया कि जी आप फुल पेमेंट देके गाड़ी बुक कराएं वरना आपकी गाड़ी बुक नहीं होगी। जो पूरी ऑटो पॉलिसी में एक तो प्राइसेस कम की गई और दूसरी जो चीज़ मेन इंप्लीमेंट की गई कुछ कंपनीज की तरफ से, वो भी बहुत सी कंपनीज ने नहीं इंप्लीमेंट की थी लेकिन पार्क सुजुकी ने इंप्लीमेंट की थी और वो 2 महीने के अंदर अंदर गाड़ी दे रहे थे। अब पार्क सुजुकी ने क्या किया, पार्क सुजुकी ने फिर अपना डिलीवरी टाइम बढ़ा दिया है। पहली बात तो ये, वो तो गाड़ियों की बुकिंग से नहीं ले रहे। मैं आज खुद गया था ऑल्टो VX की बुकिंग कराने के लिए, मुझे ऑल्टो VX कहीं से भी बुकिंग नहीं मिली और मैंने उनके बुकिंग ऑफिस भी फ़ोन किया था जो फोर्ट्रेस में है और मुझे वहाँ पे कह दिया गया जी कि हमारी बुकिंग अभी नहीं VX की आपको मिलेगी, पे फर्स्ट के बाद बुकिंग मिलेगी और उसका डिलीवरी टाइम जो है वो 4 महीने या 4 महीने बाद आपको गाड़ी मिलेगी। मतलब 1 अक्टूबर को अगर आप गाड़ी बुक कराते हैं 1 फरवरी को गाड़ी आपको मिलेगी। तो सोचने की बात यहाँ पर यह है कि ऑल्टो VX के अंदर है क्या, उस गाड़ी के अंदर AC भी मौजूद नहीं है। अगर हम उस गाड़ी को ओवरऑल देखें तो उस गाड़ी में एक बेसिक नेसेसिटी जिसे कहते हैं 11,20,000 की वो गाड़ी है और उस गाड़ी के अंदर एक AC भी मौजूद नहीं है। और मुझे नहीं समझ आती कि कंपनी 4 महीने किस चीज़ के लिए हमसे ले रही है कि 4 महीनों में उन्होंने उस गाड़ी के अंदर ऐसी क्या चीज़ आपको लगा के या मुझे लगा के उन्होंने देनी है जो वो इतने पैसे मांग रहे हैं। हाँ, ऑन पे के लिए उनके पास गाड़ी अवेलेबल है, आप किसी डीलरशिप पर चले जाए उनको जाके कहें जी कि मुझे ऑन पे सुजुकी ऑल्टो VX चाहिए तो वो आपको उसी वक्त कहेंगे सर आ जाएँ 1,25,000 रुपया वो ऑन डिमांड करते हैं और 1 लाख से ऊपर ही ऑन उस गाड़ी पे चल रहा है और 1 लाख से ऊपर ऑन पे वो आपको गाड़ी मिलती है वरना नहीं मिलती। अब ऑल्टो VX की जो इनवॉइस रेट की अगर हम बात करें तो वो है 11,20,000 विद फाइलर टैक्स। अगर नॉन फाइलर का टैक्स है वो उससे ज़्यादा और उसका थोड़ा इन्वाइस रेट उस वजह से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब 11,20,000 की गाड़ी के ऊपर 1 लाख से ऊपर ऑन चल रहा है। अब गवर्नमेंट का इसमें क्या कसूर आता है, गवर्नमेंट ने वो ऑटो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करवाई, वो सिर्फ ऑटो पॉलिसी ले आए, उन्होंने आवाम को दिखा दिया जी ये हमारी ऑटो पॉलिसी है इसमें ये हम नई चीज़ें लेके आए हैं, आपको सस्ती गाड़ी मिलेगी, जल्दी मिलेगी, ये वो, और कुछ ऐसा जो है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, ना इसके ऊपर कि उन्होंने फॉलो अप प्लान वो लेके आए। और अब हो यही रहा है कि पार्क सुजुकी ने पहले थोड़ा अर्सा तो गाड़ियाँ उन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर दी हैं लेकिन अब उन्होंने फिर अपना डिलीवरी टाइम इंक्रीज़ कर दिया है और ना वो गाड़ी की अभी VX की ऑल्टो की बुकिंग वो लोग ले रहे हैं और ना वो आपको बता रहे हैं कि जी आपको गाड़ी किस तरह मिल सकती है। मतलब कि पैसे आपके पास है लेकिन आप गाड़ी नहीं ले सकते, अगर आप बुकिंग कराते भी हैं तो उसके 4 महीने के बाद आपको गाड़ी मिलेगी। अगर हम कल्टस VXL की बात करें तो कल्टस VXL की उन्होंने बुकिंग बंद कर दी हुई है, कल्टस VXL की बुकिंग भी बंद है और जिन लोगों ने बीच में गाड़ियाँ बुक कराई हुई थी उनकी भी डिलीवरी बुकिंग उन्होंने कैंसिल कर दी है, उनको गाड़ी नहीं मिली और बुकिंग कैंसिल करने के बाद वो लोग उन्हें कह रहे हैं कि जी आपको 1 महीने बाद आपकी पेमेंट वापस आएगी। उसके अलावा ऑल्टो VXL की बुकिंग भी बंद है, ऑल्टो VX की बुकिंग भी बंद है, सिर्फ ऑल्टो VXR की बुकिंग खुली हुई है और उसके ऊपर भी डिलीवरी टाइम जो है वो 3 से 4 महीने है। और मेरा इस वीडियो का मेन मकसद ही ये है कि डिलीवरी टाइम इतना ज़्यादा क्यों है, अगर एक आम बंदा गाड़ी लेना चाह रहा है उसको गाड़ी चाहिए तो वो उसको क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो गाड़ी ऑन पे ले, उसको ज़रूरत है गाड़ी की तो वो क्यों गाड़ी ऑन पे ले। उसको 2 महीने में अगर गवर्नमेंट एक ऑटो पॉलिसी लेके आई है और उनको चाहिए पार्क सुजुकी वालों को कि वो गाड़ी आपको 2 महीने के अंदर गाड़ी डिलीवर करें तो वो क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों उन्होंने डिलीवरी टाइम इतना ज़्यादा रखा हुआ है 4 महीने का। और उसका मेन मकसद यही है कि क्योंकि जब डिलीवरी टाइम कम हुआ था तो ये ऑन वाला कल्चर कम होने लग गया था, लोग गाड़ियाँ ऑन पे कम ले रहे थे, लोग गाड़ी बुक कराते थे 2 महीने के अंदर गाड़ी आ जाती थी, लोग बुक करा के गाड़ी ले लेते थे।
इसलिए पार्क सुजुकी ने दोबारा अपना डिलीवरी टाइम बढ़ा दिया है कि वो दोबारा ऑन के कल्चर को लेके आएँ और लोग जाएँ उनकी डीलरशिप्स पर, उनको कहें जी के 4 महीने बुकिंग टाइम है, चलें आप ऑन पे गाड़ी ले लें, आप 1 लाख ऑन दे दें, आप 80,000 दे दें, 1,25,000 दे दें, 1.5 लाख रुपये ऑन दे दें। तो ये चीज़ मेरे समझ से बाहर है। मैं किसी कंपनी पे तनकीद करने यहाँ पे नहीं बैठा हुआ, लेकिन जो चीज़ मैंने खुद भी फेस की है उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा, और बहुत से और लोगों ने भी ये चीज़ फेस की है कि आपकी पैसे आपकी जेब में है, आप जाते हैं गाड़ी लेने के लिए लेकिन आपको बुकिंग तक नहीं मिलती कि आपको बुकिंग मिल जाए। 4 महीने के बाद की बुकिंग भी वो लोग नहीं दे रहे, वो कहते हैं जी 1 के बाद बुकिंग हमारी खुलेगी तो फिर आपको बुकिंग मिलेगी। तो ये मेरी वीडियो का मेन मकसद था, ये चीज़ें मैं आपके आगे हाईलाइट करना चाहता था कि गवर्नमेंट ऑटो पॉलिसी लेके आई, गवर्नमेंट ने ऑटो पॉलिसी ना इंप्लीमेंट करवाई है ना उनका कोई फॉलोअप प्लान है। मैंने पार्क सुजुकी के बुकिंग ऑफिस फ़ोन किया जो फोटो स्टेडियम में था, और उन्होंने मैंने उनको कहा जी मुझे ऑटो VX बुक करानी है, वो कहते हैं जी अगर आप बैंक के थ्रू आएंगे तो आपको बुकिंग हम दे देंगे, अगर आप बैंक के थ्रू नहीं है, आपने खुद गाड़ी लेनी है तो आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। और उन्होंने साथ मुझे ये कहा, मैंने जब उन्हें कहा कि जी गवर्नमेंट एक ऑटो पॉलिसी लेके आई है, उन्होंने कहा जी कि आप 2 महीने में गाड़ी डिलीवर करने के पाबंद है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जी हम 4 महीनों में गाड़ी डिलीवर करेंगे। तो आगे से जो उनका रिप्रेजेंटेटिव था उसने मुझे ये कहा कि जी गवर्नमेंट तो और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आती है, तो वो भी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करवाती, गवर्नमेंट अपनी चीज़ों पर से कई भी से मुकर जाती है, तो हम लोग फिर जो हमारा दिल करेगा वो हम करेंगे। तो इस चीज़ में आम आदमी जो है वो पिस जाता है, उसके पास पैसे होते हैं, वो एक छोटी गाड़ी लेना चाह रहा होता है लेकिन उसको गाड़ी नहीं मिलती। तो यही मेरा मेन वीडियो ये बनाने का मकसद था, और बहुत से लोग हैं जो इस मसले से गुजर रहे हैं, तो ये मैं चाहूँगा कि ये हायर अथॉरिटीज़ वगैरह जो है गवर्नमेंट तक ये वीडियो पहुँचे, वो ये वीडियो देखें और वो हमारे लिए इसके अंदर थोड़ी बेहतरी लेके आए, कोई इनको चेक एंड बैलेंस रखें कि ये लोग कर क्या रहे हैं हमारे साथ। अगर हम लोगों ने गाड़ी लेनी है, हम लोगों को क्यों गाड़ी नहीं मिल रही, हम लोगों को बुकिंग नहीं मिल रही, हम लोगों को 4-4 महीने का डिलीवरी टाइम क्यों मिल रहा है, ऑल्टो VX में ऐसा क्या है जो 4 महीने के अंदर वो बनाई जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।